Hi everyone, welcome back to your own academy, that is Achievers Academy. I am your friend, your guider, Nisha Sharma. So guys, CDP new series में आज हम hashtag 4, 4 नंबर की वीडियो जो है कर लेते हैं, ठीक है? तो इससे पहले मैंने आपको लर्निंग की थ्योरीज जो है स्टार्ट करवाई थी. तो हमने थोंडाइक वाली थ्योरी हमने की थी, पावलोव वाली थ्योरी हमने की थी और हमने लास्ट जो किया था बीच में इनसाइट थ्योरी को भी डिस्कस किया था, ठीक है? अब हम डिस्कस करते हैं लास्ट बट नॉट लिस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरी ऑफ लर्निंग. लास्ट तो नहीं कहूँगी बट इम्पॉर्टेंट, ठीक है? ये है ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी. ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी जिसको बोला गया है हिंदी में सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत. सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत, ठीक है? इसको कहा गया बच्चे सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत, ठीक है? ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी या इसको आर टाइप थ्योरी भी कहा गया है. आर एस भी कह सकते हैं, खाली आर भी कह सकते हैं, ठीक है? इसको आर टाइप सिद्धांत भी कहा गया है. जैसे पावलोव वाली को एस टाइप कहा गया है, इसको आर टाइप सिद्धांत भी कहा गया है. ये गिवन है भाई स्कीनर के द्वारा. ये गिवन है किसके द्वारा? स्कीनर के द्वारा. स्कीनर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी, इंपॉर्टेंट नाम इन आवर एजुकेशन सिस्टम. अब देखिए, जो पहले हमने थ्योरीज पढ़ी है वो इंपॉर्टेंट सी थोड़ी थी, उसमें समझने का भी था और लंबी लंबी राम कहानी भी थी. बट इसकी थ्योरी में ऐसी कुछ लंबी राम कहानी नहीं है. स्कीनर एक ही चीज़ पर बात करता है. जो स्कीनर, जैसे थोंडाइक ने बात की अभ्यास एवं प्रयत्न, अभ्यास करो, एफर्ट्स करो, प्रयत्न करो, आप सीख जाओगे, ठीक है? आपके पावलोव ने बात किया भाई किस पे, कंडीशनिंग के ऊपर, कि कंडीशनिंग होगी तो बच्चा रिस्पॉन्स करता है, ठीक है ना? स्टिमुलस के ऊपर, कंडीशनिंग के ऊपर बात की. और यदि हम बात करते हैं इनसाइट थ्योरी वाली कोहलर ने, तो कोहलर ने बात की है अंतर्दृष्टि के सिद्धांत की, कि इनसाइट जो अंतर्दृष्टि होगी वो किस तरीके से होती है. बट यहाँ पर जो ये बात करता है स्कीनर, ये करता है किसकी? कंडीशनिंग रिस्पॉन्स थ्योरी की. मीन्स ये क्या कहता है कि सबसे पहले, सॉरी, रिस्पॉन्स कंडीशनिंग, ये कहता है बच्चों को खुद रिस्पॉन्स देना पड़ता है, फिर जाके उनको क्या मिलता है? स्टिमुलस मिलता है. कैसे, मैं समझाती हूँ. दो फादर हैं, इजीली हम इस चीज़ को समझ जाएंगे. ये है भैया थोंडाइक और ये है हमारा स्कीनर. अब मैं ड्राइंग जितनी सुंदर है आप लोगों को अच्छे से पता ही है, ठीक है? और ये है हमारा स्कीनर, ठीक है? ये दो फादर हैं. एक तो फादर क्या कहता है, मेरा बच्चा, ये इसका बेटा है, मेरा बच्चा मैं तुझे ला के दूंगा बाइक, चूहे जैसी, जो भी है यार मुझे नहीं बनानी आती, ये कह रहा है मैं तुझे ला के दूंगा बाइक. थोंडाइक कहता है कि बेटा तू पढ़ ले. मीन्स पहले ही स्टिमुलस दे दिया थोंडाइक के इसने, ठीक है? पहले ही स्टिमुलस दे दिया और फिर बच्चा पढ़ाई कर रहा है. ये तो कौन है भाई? थोंडाइक. लेकिन जो ये अपना स्कीनर है, बूढ़ा सा सुंदर सा स्कीनर, क्या कहता है कि बेटा पहले रिजल्ट ला दे, पहले रिजल्ट ला दे, फिर मैं तुझे क्या दिलवाऊंगा, फिर मैं तुझे दिलवाने वाला हूँ एक बहुत ही शानदार बाइक दिलवाने वाला हूँ. मीन्स ये कहता है पहले रिजल्ट ला दे, फिर मैं तुझे बाइक दिलवाऊंगा. मीन्स आप मेरे कहने का अभिप्राय समझ गए होंगे. एक तो ये है ले बेटा चीज़, ये काम कर ले. एक कहता है पहले ये काम कर, फिर मैं तेरे को चीज़ दूंगा. कहने का मतलब जो थोंडाइक है वो स्टिमुलस पर जोर देता है कि बच्चों को स्टिमुलस दो तो बच्चे ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स करेंगे. लेकिन स्कीनर इसके क्वाइट अपोजिट है. तो ये क्वेश्चन भी याद रखना. उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत जो थोंडाइक वाला ट्रायल एंड एरर मेथड है, उसके अपोजिट सिद्धांत कौन सा है? तो उसके अपोजिट सिद्धांत कौन सा है भाई? सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत, ठीक है? ये उसके क्वाइट अपोजिट सिद्धांत है. ये कहता है कि पहले तुम रिस्पॉन्स करो, जैसा आपका रिस्पॉन्स होगा तभी आपको स्टिमुलस दिया जाएगा. अब किसी लड़की का तो हस्बैंड ये कहे ले मैं तेरे लिए फ़ोन ले आया हूँ नया नया और तू मतलब पेपर पास कर दियो, कोई कहे नहीं तू पहले पास कर ले, मैं तेरे को एप्पल दिलवाने वाला हूँ, एप्पल का फ़ोन, मतलब सेब वाला एप्पल नहीं. तो कहने का मतलब समझ रहे होगे ना आप मेरा. मीन्स स्कीनर क्या करता है, स्कीनर रिस्पॉन्स के ऊपर बल देता है. वो कहता है रिस्पॉन्ड हमेशा करना चाहिए. अब इसकी जो थ्योरी है, नॉट सो इम्पॉर्टेंट, इसने अपनी थ्योरी चूहे और कबूतरों पर प्रयोग की थी. चूहे और कबूतरों पर बेसिकली एक पूछा जाए तो हम चूहे को ही प्रायोरिटी देते हैं. ऑप्शन में दोनों में से कोई हो तो कबूतर दे सकते हो, दोनों हो तो ए एंड बी बोथ कर सकते हो. एक जैसे एक दो टाइप का प्रयोग किया था, एक इसने खाने के ऊपर भी किया था, एक ये वाला किया था. जैसे चेस होता है ना, चेस सबको पता होगा ना, शतरंज वजीर, शतरंज का माहिर खिलाड़ी, मुझे अच्छा लगता है चेस. बस विश्वनाथ आनंद बनने की कमी रह गई, चेस में बहुत पसंद करती हूँ. तो भाई आपको पता है चेस में एक ब्लैक होता है, एक वाइट होता है, एक ब्लैक होता है, एक वाइट होता है. इस ये मतलब उल्टा सीधा बन गया.
एक ब्लैक होता है, एक वाइट होता है, एक ब्लैक होता है, एक वाइट होता है। अब ये स्किनर क्या कहता है कि एक वाले खाने, एक पे तो खाना है, ठीक है, एक बॉक्स पे तो खाना है और एक बॉक्स पे करंट है, एक बॉक्स पे करंट है और एक बॉक्स पे क्या है, खाना है। चूहा जब इस पे पैर रखता है तो उसको करंट लगता है, जब इस पे पैर रखता है तो उसको खाना मिल जाता है। कहने का मतलब चूहे के रिस्पॉन्स के ऊपर ही उसका क्या आधारित है, रिजल्ट। चूहे के रिस्पॉन्स पर ही उसका क्या आधारित है, रिजल्ट। जैसा चूहा रिस्पॉन्स देगा वैसा ही उसको क्या मिलेगा भाई, रिजल्ट देगा। और ये रिस्पॉन्स रीइन्फोर्स करता है, रीइन्फोर्समेंट करता है। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर तो मैं अलग से डिटेल वीडियो बना चुकी हूँ रीइन्फोर्समेंट की, ना देखी हो तो देख लेना, साइकोलॉजी प्लेलिस्ट में मिल जाएगी रीइन्फोर्समेंट की। तो पूरा बहुत अच्छे तरीके से मैंने करवा रखा, पार्शियल रीइन्फोर्समेंट, ये रीइन्फोर्समेंट, तो यहाँ डिटेल नहीं बताऊंगी इस शब्द की, लेकिन यहाँ पर सिंपल आपको पता होना चाहिए कि स्किनर कहता है रीइन्फोर्स। रीइन्फोर्स का मतलब क्या है, कोई भी वो चीज़ जो आपको रीइन्फोर्स करती है, आगे बढ़ाने के लिए फोर्स करती है, आगे ले जाती है। तो ये कहता है कि चूहा जब यहाँ पैर रखता है फिर उसको करंट लगता है तो उसको एक पुनर्बलन मिलता है, चाहे नेगेटिव मिले चाहे पॉजिटिव, और फिर वो आगे मूव हो जाता है, समझ गए। तो रीइन्फोर्समेंट के ऊपर या फिर आर थ्योरी, आर टाइप थ्योरी पूछे किसने दी है, तो किसने दी है भाई, सीधा सीधा कहेंगे स्किनर ने दी है। अब यदि हम बात करें कि ये जो थ्योरी है, मतलब जो रीइन्फोर्समेंट की थ्योरी है, ये कैसी एजुकेशन में लागू होती है, ये आजकल की एजुकेशन में लागू होती है, ये टेक्निकल एजुकेशन में लागू होती है, ठीक है। जो टेक्निकल आपकी एजुकेशन है, जो तकनीकी वाली शिक्षा है, टेक्निकल एजुकेशन इन द सेंस क्या है कि आपको पता है आजकल आप क्वेश्चंस करते हो ऑनलाइन, आपको 1, 2, 3, 4 आंसर्स गिवन होते हैं, क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3 आपको आंसर्स गिवन होते हैं, ठीक है, 1, 2, 3, 4 ऐसे कुछ करके। तो एक बात भाई आप ये बताइए, आप जब पहले आंसर का, क्वेश्चंस का आंसर टिक करेंगे तो वो यदि वो सही होता है तो उसको रेड रेड कर देगा, ग्रीन कर देगा, गलत होगा तो उसको रेड कर देगा। कहने का मतलब ये ऑनलाइन जो है आंसर्स आपको दिए जाते हैं, ठीक है, ऑनलाइन क्या दिए जाते हैं, आंसर्स आपको दिए जाते हैं, और इसी आंसर्स से, ऑनलाइन आंसर से ही आप क्या कर लेते हो, ज़्यादा से ज़्यादा अचीव आप कर पाते हो, ठीक है। तो ऑनलाइन आंसर से आप ज़्यादा की ज़्यादा क्या कर पाते हो भाई, अचीव कर पाते हो। एक तरह से आप खुद अपना रिस्पॉन्स देते हो, अपने रिस्पॉन्स के बाद ही आपको क्या मिलता है, रिजल्ट मिलता है। तो क्वेश्चन किस तरीके से बनेगा एग्जाम में, कि जो टेक्नोलॉजी की एजुकेशन है, जो आजकल की एजुकेशन है, जो टेक्निक से रिलेटेड एजुकेशन है, टेक्निकल एजुकेशन में कौन सा शिक्षण का सिद्धांत काम करता है, तो जो टेक्निकल एजुकेशन है उसमें कौन सा शिक्षण का सिद्धांत काम करता है, इसमें काम करता है भाई सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत। क्यों, क्योंकि टेक्निकल एजुकेशन में हम खुद रिस्पॉन्स करते हैं। अब सपोज मैं अपना ही बात करूं, मैंने ऐप बना दिया, ऐप में मैंने क्लासेस डाल दी, अब आपने क्लासेस को पढ़ के रिस्पॉन्स तो खुद ही करना है, क्वेश्चंस की जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तभी तो आप सफल हो जाओगे, ठीक है। तो आजकल की एजुकेशन जो टेक्नोलॉजी वाली एजुकेशन है वो किस थ्योरी पर आधारित है, स्किनर की थ्योरी पर। स्किनर की थ्योरी से बहुत डीप क्वेश्चन नहीं आते, जैसे पावलोव की थ्योरी से सबसे ज़्यादा डीप आते हैं, इनसाइड थ्योरी से भी आते हैं, बट स्किनर में इतना कुछ विशेष नहीं है, उन तीन में ज़्यादा मतलब पढ़ने का था, ज़्यादा डीप मैंने पढ़ाया था, ठीक है। तो यहाँ आपको इतना ही याद रखना है कि रीइन्फोर्स पर किसने महत्व दिया है, स्किनर ने महत्व दिया है। आर टाइप सिद्धांत किसको कहा जाता है, ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी को कहा जाता है। आर एस टाइप सिद्धांत कह दे किसको कहा जाता है, इसी सिद्धांत को कहा जाता है। थोंडाई के अपोजिट कौन सा सिद्धांत है और किस पर प्रयोग किया, टेक्निकल एजुकेशन में कौन सा सिद्धांत काम आता है, ठीक है। तो और स्किनर ने एक और दिया था भाई, प्रोग्राम्ड लर्निंग, अभिकर्मित अधिगम, ठीक है, अभिकर्मित अधिगम, जिसको हम बोलते हैं प्रोग्राम्ड लर्निंग, अभिकर्मित अधिगम, जिसको हम बोलते हैं प्रोग्राम्ड लर्निंग। तो प्रोग्राम लर्निंग भी किसने दी थी भाई, स्किनर के द्वारा ही दी गई थी, जो दो टाइप से होती हैं, शाखीय और रेखीय। शाखीय दी थी किसने, नॉर्मन ए क्राउडर ने, ठीक है, शाखीय दी थी किसने, नॉर्मन ए क्राउडर। ब्रांचिंग जो है प्रोग्राम लर्निंग दी थी नॉर्मन ए क्राउडर, और जो लीनियर प्रोग्राम लर्निंग दी थी ये किसने दी थी भाई, स्किनर ने दिए थे, ठीक है। अभिकर्मित अधिगम भी क्या होता है, स्वगति से पढ़ने का सिद्धांत होता है। स्वगति मतलब अपनी सेल्फ स्पीड से, जब आप किसी भी चीज़ को स्वगति से, सेल्फ स्पीड से पढ़ते हो, किसी भी चीज़ को खुद की गति से, खुद की स्पीड से जब आप पढ़ते हो, तो स्वगति से पढ़ने का सिद्धांत यही क्या है, अभिकर्मित अनुगम। मतलब किसी भी पाठ है उसको छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर दिया जाता है, कंप्यूटर असिस्ट लर्निंग होती है ये, ठीक है। आप खुद ही अपने हिसाब से पढ़ते हो, टीचर यहाँ सिर्फ एक गाइडर का काम करता है, टीचर यहाँ पर ज़्यादा थोप थोप के आपको नहीं पढ़ाता है, ठीक है। तो ये भी किसने दिया है भाई, स्किनर ने ही दिया है, ठीक है। कई बार ये पूछ लेते हैं कि
शाखीय अधिगम किसने दिया है? तो नॉर्मन ए क्राउडर ने दिया है। ठीक है, तो ये सिद्धांत कुछ बहुत यूनिक नहीं था, बट आपको पता होना चाहिए, इससे जुड़े यही क्वेश्चन हैं। फिर जो शिक्षण की मेजर थ्योरीज हैं, जो लर्निंग की मेन थ्योरी हैं, उसमें जो लास्ट मेजर थ्योरी, वैसे तो और भी बहुत है बट मैं वैसे बता रही हूँ, जो मेन थ्योरी है उसके अंदर एक थ्योरी और बच जाती है, पुनर्बलन का सिद्धांत। पुनर्बलन का सिद्धांत गिवन बाय सी एल हल, मीन्स क्लॉर्क हल। क्लॉर्क हल ने दिया था 1915 के अराउंड ये सिद्धांत, पुनर्बलन का सिद्धांत। ध्यान से समझना, पुनर्बलन शब्द की बात आती है, पुनर्बलन रीइन्फोर्समेंट की बात आती है, तो स्कीनर ने दिया था, लेकिन पुनर्बलन के पूरे पूरे सिद्धांत के बारे में पूछते हैं तो क्लार्क ने दिया था, लेकिन अधिगम में पुनर्बलन पूछे कि शिक्षा में रीइन्फोर्स किया जाना चाहिए, सबसे पहले थोंडाइक ने कहा था, बट थोंडाइक का पॉपुलर नहीं हुआ था, पॉपुलर स्कीनर का ही माना जाता है। ये एक चीज़ कहता, बस आपको ध्यान रखना, नीट ये कहता है अधिगम में यदि आपको नीड है, ये क्या कहता है, अधिगम में यदि आपको नीड है, नीड इन द सेंस क्या, कि अब आप खुद बताओ, आपको पेपर पास करने की नीड है तभी तो आप मेरी वीडियोस देख रहे हो, यदि आपको पेपर पास करने की नीड ही नहीं है तो आप मेरी वीडियोस क्यों देखोगे, आप देखोगे ही नहीं। ठीक है, तो हल क्या कहता है, हल कहता है भाई मुझे मतलब नहीं है इतनी सारी थ्योरी से, मैं मानता हूँ कि अधिगम नीड पे डिपेंड है, यदि आपको आवश्यकता है तो आप सीख लोगे। वो कहता थोंडाइक की जो बिल्ली है उसी पे इसने प्रयोग किया, कहता बिल्ली को यदि नीड होगी ना खाने की तो दरवाजा तोड़े कुछ भी करे बिल्ली खाना अचीव कर लेगी। ठीक है, तो कहता है कि आवश्यकता की पूर्ति के लिए एक प्रोसेस की जाती है, ध्यान से रखना इस स्टेटमेंट को याद, आवश्यकता की पूर्ति के लिए जो प्रक्रिया की जाती है, आवश्यकता की पूर्ति के लिए जो प्रक्रिया की जाती है वो प्रक्रिया क्या होती है बच्चे, अधिगम होती है। ठीक है, ध्यान रखना, आवश्यकता की पूर्ति के लिए जो प्रक्रिया की जाती है वो प्रक्रिया क्या कहलाती है, अधिगम कहलाती है। मीन्स आपको कोई भी नीड है, उस नीड को कंप्लीट करने के लिए आप जो प्रोसेस करते हो, जैसे कि आपको नीड है एग्जाम पास करने के लिए, नाउ वी आर प्रोसेसिंग, आप प्रोसेस कर रहे हो उस नीड को कंप्लीट करने के लिए, तो ये जो प्रोसेस आवश्यकता की पूर्ति के लिए प्रक्रिया का जो सिद्धांत है, इसी को हम क्या बोलते हैं भाई, अधिगम का सिद्धांत बोलते हैं, इसको हम नीड थ्योरी बोलते हैं। ठीक है, मोटिवेशन में नीड नहीं है, मोटिवेशन में नीड की बात अब्राहम मैस्लो ने की थी, किसी और ने की थी, यहाँ पर हम सिर्फ और सिर्फ लर्निंग में नीड की बात कर रहे हैं। अधिगम में आवश्यकता की बात आती है, किसने दिया था भाई, ये सी एल हल ने दिया था। ठीक है, ये इतना ही कहता है, और सी एल हल के इस सिद्धांत को स्कीनर ने सबसे बेस्ट सिद्धांत कहा था। स्कीनर ने कहा था सही में जो लर्निंग होती है वो नीड पर ही डिपेंड होती है, तो मेरे हिसाब से शिक्षा का सर्वोत्तम सिद्धांत है, मतलब लर्निंग को सीखने का सर्वोत्तम सिद्धांत है। ठीक है, सो गाइज इनफ फॉर द डे, छोटी छोटी मगर मोटी वीडियोज़ हैं, छोटी छोटी वीडियोज़ होंगी लेकिन आपके एग्जाम ओरिएंटेड होंगी हर एक पॉइंट। ठीक है भाई, एंड द लास्ट बट नॉट लिस्ट, इफ़ यू वॉन्ट वन वीडियो इन सेम वे, एक ही बार में आपको कंप्लीट सिलेबस देखना है, आपका कोई एग्जाम आसपास है, तो आप अचीवर अकेडमी ऐप डाउनलोड कर सकते हो, अचीवर्स अकेडमी ऐप, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या कमेंट बॉक्स में डाल दूंगी, नहीं तो गूगल पे सर्च करें अचीवर अकेडमी, जो मेरे चैनल का लोगो है वही अकेडमी ऐप का लोगो है। अचीवर अकेडमी ऐप पे आपको साइकोलॉजी टीचिंग एप्टीट्यूड केवीएस जी ट्रिपल एस बी कंप्लीट कोर्स आपको मिल जाएगा पर्टिकुलर मेरे ऐप के ऊपर, तो चाहे तो आप ऐप को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, ऑल टाइप ऑफ कोचिंग्स आर गोइंग ऑन, 7015467794, if you want you can comment, and if you like the series don't forget to comment, like and share and subscribe as you wish, no compulsion, मैं नहीं कहती ये चीज़ें भाई, किसी का मन करे, किसी को सीखने को अच्छा मिल रहा है तो करो सब्सक्राइब और शेयर, अदरवाइज कोई जबरदस्ती नहीं है। बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर।